आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। मान्यता यह है कि शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखी जाती है और फिर उसे भोग प्रसाद के रूप में खाया जाता है। तो इसी परंपरा को हम कायम रखते हुए आपके लिए खीर का रेसिपी लेकर आए हैं। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, ग्लोरियस किचन में आपका स्वागत है। आज हम खीर बनाने जा रहे हैं। इसको हम पीतल के पतीले में बना रहे हैं। आप कोई भी पतीला में बना सकते हैं, स्टील में भी बना सकते हैं। यहाँ पे हम 1.25 लीटर दूध लिए हैं। ये फुल क्रीम मिल्क है। इसको हम चलाते हुए उबालेंगे। आप टोन मिल्क भी ले सकते हैं या गाय का दूध भी ले सकते हैं। देखिए अब उबाल आना शुरू हो गया है। अब हम केसर के धागे डालेंगे, इससे खीर में कलर बहुत अच्छा आ जाता है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो डालिएगा, नहीं तो इसको स्किप कर दीजिएगा। 20-25 धागे हैं केसर के। इसको भी हम दूध में मिला लेते हैं। और हम पहले से 100 ग्राम गोविंदभोग चावल को भिंगो कर रख दिए थे। इसको अब दूध में डाल देते हैं क्योंकि दूध गाढ़ा हो चुका है। चावल को हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं खीर में, चलाते हुए पकाएंगे हम। इसको चलाना हम नहीं छोड़ रहे हैं, बीच बीच में हम चलाते भी रह रहे हैं। इसको हम धीमी आंच पे बना रहे हैं। यहीं पे हम 3 चम्मच रोज वाटर गुलाब जल डाल रहे हैं, इसे खीर में फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा। अभी हम इसको चलाते हुए पकाते रहेंगे। देखिए कलर भी बहुत अच्छा आने लगा है केसर के कारण, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है गुलाब जल के कारण। अगर आपको गुलाब जल डालना है तो ठीक है, नहीं तो इसको स्किप कर दीजिएगा। अब हम चीनी डालेंगे। ये नॉर्मल चीनी है, 150 ग्राम चीनी है ये। आप अपने मीठानुसार डालिएगा, कम भी कर सकते हैं ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 150 ग्राम परफेक्ट है इतनी क्वांटिटी के लिए। अब हम फिर इसको चलाना शुरू कर देते हैं। यहीं पे हम ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे। 2 बड़े चम्मच बादाम कटा हुआ, 2 बड़े चम्मच काजू कटा हुआ, 2 बड़े चम्मच नारियल, इसको भी हमने बारीक बारीक काट लिया था, और 2 बड़े चम्मच पिस्ता, और 4 इलायची को हमने पाउडर बना लिया है। ड्राई फ्रूट्स आप मन अनुसार डालिएगा, आपको जो डालना होगा वो डालिएगा। किशमिश भी डाल सकते हैं, हमने किशमिश नहीं डाला है। इसको हम खीर में डाल देते हैं। थोड़ा सा हम पिस्ता को रख लेंगे बाद में गार्निश के लिए। ये ड्राई फ्रूट्स लोडेड खीर बन जाएगा हमारा, बिल्कुल रबड़ी का स्वाद आएगा इस खीर से। इस खीर को बनाने में 1/2 घंटा का समय लगा है क्योंकि हमने धीमी आँच पर बनाया है। इलायची पाउडर भी डाल दिया हमने। अब हम सबको मिला लेते हैं। खीर भी गाढ़ा हो गया है, अभी हम इसको और पकाएंगे। चावल थोड़ा और पकेगा अभी। अब खीर बनने ही वाला है। देखिए बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है, बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ढककर 5-6 मिनट के लिए छोड़ देंगे, फिर हम सर्व करेंगे। देखिए हम इसको सर्व कर रहे हैं। पिस्ता से हमने गार्निश कर लिया है। 2-3 रोज पेटल डाल देंगे। देखिए कितना अच्छा खीर बना है, कितना अच्छा कलर आया है। आप ही शरद पूर्णिमा पर इस तरह से खीर बनाइए और अपने फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद खीर ज़रूर बनाएंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं हम एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।